नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभ्यास को जारी रखते हैं हिंदी सत्र में। कल हम लोग स्टेप थ्री के गृह कार्य को लिए थे और असाइनमेंट ये था कि हम जब भी व्यवहार कर रहे हैं उस समय अपने भाव को देखें और देखें कि ये भाव हमको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, इसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं, और इसके साथ हमारी स्थिति कैसी है, आराम में है या परेशान है, इसको अपने आप में देखना था। और ये हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि हर 4 घंटे पे कम से कम 10-15 मिनट का समय लगाया जाए, दिन में 3-4 बार समय लगाया जाए, रात को सोने से पहले भी ये समय लगाएं तो और उपयोगी रहेगा। तो रात को सोने से पहले यदि हम दिन भर के अपने व्यवहार का, दूसरे के व्यवहार का, अपनी स्वयं की स्थिति का एक आकलन कर लें, एक अवलोकन कर लें, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। उसके साथ ही कल कुछ शेयरिंग भी हुई थी। अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, यानी मैं द्वारा मैं को देखना, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना। इसके स्टेप वन में हमने अपने कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, उसमें मूल रूप से भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। भाव अपने को इच्छा के स्तर पर दिखाई देता है और ये दिखता है कि भाव से ही विचार तय होते हैं, विचार से ही हमारा चयन तय होता है और फिर हमारा व्यवहार तय होता है, इसलिए भाव महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये भी पता लगता है कि भाव में ही परिमार्जन होना है। एसेंशियली जो हम ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, ज्ञान का जो सुनिश्चित होना है वो भाव के परिमार्जन से, तो भाव के परिमार्जन के लिए काम करना है, इसलिए भाव के प्रति अपने को गंभीरता से निष्ठापूर्वक ध्यान देना है। स्टेप वन में हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया था, इस भाव के साथ हम सहज हैं या असहज या हमें स्वीकार है कि नहीं, परंतु स्टेप टू में हमने ये देखना शुरू किया कि जो भी मेरे अंदर भाव बन रहा है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में हमने देखा कि उसके साथ हमारी पूरी स्थिति क्या है, हम आराम में है या परेशान है। इतने ऑब्जर्वेशन को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं, अन्यथा फिर आगे चलते हैं। जी तो भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। स्टेप फोर में हम स्वमूल्यांकन कर रहे हैं, इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस भाव को तय कौन करता है। तो स्टेप वन में मैंने इस क्षण अपने में चल रहे भावों को देखने का काम किया, स्टेप टू एंड थ्री में अपने भाव का मूल्यांकन किया। इससे मैं यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं किस भाव से सुखी, असहज भाव से दुखी होता हूँ, कि मैं सहज भाव से सुखी, असहज भाव से दुखी होता हूँ, और मेरे भाव के आधार पर मेरा सुख दुख तय होता है। अब प्रश्न यह है कि यह भाव जो मेरे सुख या दुख का स्रोत है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो मैं स्वयं से सवाल पूछ रहा हूँ, इस भाव का निर्णय कौन लेता है? मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय कौन लेता है, या बाहर की कोई स्थिति परिस्थिति है, कोई दूसरा व्यक्ति है, या मैं स्वयं हूँ? किसको अभी ओपन रखें, इसमें जब ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको ओपन रखें? हो सकता है इस बात को ऑब्जर्व करते हुए आप इस निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हो कि मैं ही अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूं, कोई और व्यक्ति या बाहर की कोई परिस्थिति मात्र उसको ट्रिगर करने काम कर सकती है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी तय होने वाली बात हो रही है कि मैं अपने भाव को सजग हुआ, भाव को देखते हुए मुझे दिखा कि इसके साथ मैं असहज हूँ, ये मुझे सहज से स्वीकार भी नहीं हो रहा। परंतु कई बार हम इसको जिम्मेदार दूसरे व्यक्ति को मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है, दूसरे व्यक्ति ने हमें दुखी कर रखा है, दूसरे व्यक्ति ने हमें परेशान कर रखा है, दूसरे व्यक्ति के कारण हमारे अंदर हमेशा उलझन, तनाव, परेशानी बनी रहती है। ये एक सामान्य सी सोच है कि मैं दुखी तो हूँ पर दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है, ठीक, दूसरे मुझे सुख से जीने नहीं देते, दूसरे मुझे सुखी देखना नहीं चाहते, दूसरे मुझे सुखी करना नहीं चाहते, एंड सो ऑन। तो ये अपने में ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर जो भी भाव चल रहा है उसका निर्णय मैं ले रहा हूँ या बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है या कोई स्थिति परिस्थिति ले रही है। वैसे तो चर्चा में हम सामान्य रूप से कह देते हैं कि हाँ निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, मेरा भाव है, मेरा निर्णय है, बट आमतौर पर देखिए तो क्या चलता है हमारी कल्पनाशीलता में। जिस क्षण मुझे लगेगा कि भाव का निर्णय मैं लेता हूँ, मैं अपने ऊपर गंभीरता से काम शुरू करूंगा। अगर लगता है कि मैं निर्णय नहीं ले रहा हूँ
मैं बाहर की चीजों को ठीक करने का प्रयास करता हूँ। तो बाहर की परिस्थिति को मैं ठीक करने का प्रयास करूंगा, बट उनको जिम्मेदार मान के नहीं। ये नहीं कि मेरे दुख के लिए जिम्मेदार है इसलिए मुझे उनको ठीक करना है, बल्कि इसलिए कि मेरा उनसे संबंध है और वो अपने भाव विचार से दुखी हैं, तभी मुझे या तभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा आचरण कर रहे हैं, और इसलिए मुझे उनको सही दिखाना है, सही समझाना है, सही समझने में सहयोग करना है। ये दो अलग अलग बातें हैं कि मैं दुखी हुआ, परेशान हुआ दूसरे के व्यवहार से, मैंने इसके लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराया और मैं फिर दूसरे को ठीक करने गया। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि फिर वो संबंध खराब होता है हमारा और हमारे अंदर एक ब्लेम गेम चलता रहता है। मैं अपने आप में बैठा रहता हूँ, अपनी स्थिति को देखता हूँ और दूसरों को ब्लेम कर रहा होता हूँ। इस बात को अपने आप में ऑब्जर्व करें कि ऐसा ही है या कुछ अन्यथा है। क्या लगता है, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नहीं जिम्मेदारी तय करना? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब भी दुखी होते हैं उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं, दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है, दूसरा हमसे ठीक व्यवहार नहीं करता इसलिए मैं दुखी होता हूँ, दूसरा हमारी बात नहीं सुनता इसलिए मैं दुखी होता हूँ, दूसरा मनमानी करता है इसलिए मैं दुखी होता हूँ, दूसरा आक्रामक व्यवहार करता है इसलिए मैं दुखी होता हूँ, ऐसा लगता है? या मुझे दिखता है कि अगला व्यक्ति तो ऐसा व्यवहार करता है, कभी आक्रामक होता है, कभी गलत व्यवहार करता है, कभी अपशब्दों का प्रयोग करता है, परंतु मेरा भाव बिगड़ता है मेरे निर्णय से। प्रवीण कुमार जी। हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। वही जो कल का मैं डिस्कस कर रहा था उसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। तो मैंने देखा कल मेरे इमेजिनेशन में कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस था कि अब तो हट का रूप ले चुका है, अभी हमको जाना ही है टूर। तो मेरे को अभी क्लस्टर हेड से पूछना है, मेरे को छुट्टी चाहिए 7 डेज। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है ही इज नॉट गोइंग टू गिव लीव। तो यही दिमाग में चल रहा था, ये छुट्टी नहीं देगा तो क्या करेंगे। तो मैं उसके प्रति नेगेटिव भाव था, जो भाव उत्पन्न हो रहे उसको मैं इच्छा कहूँ। देखिए, इच्छा में देखें तो आप परिवार के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, है ना? तो उसको लेकर एक इच्छा बनी हुई है कि परिवार के साथ बाहर समय बिताएं, ऐसे जिए, ऐसे रहें, ऐसे खाए पिए, ऐसे घूमे फिरे, तो सुखी होंगे। ये आपकी इच्छा में बैठा हुआ है। अभी और परिवार जस्ट ये इच्छा बनाया जी, ये इच्छा बनाया। जो फीलिंग पार्ट जो आ रहे क्लस्टर हेड के प्रति, जो छुट्टी पूछने जा रहा हूँ, तो उसको क्या कहें भैया? नेगेटिव फीलिंग आ रहे क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस, संदेह हो रहा है। हाँ, संदेह हो रहा है कि छुट्टी अगला व्यक्ति सैंक्शन करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, है ना? वहाँ भाव रूप में ये है, इच्छा रूप में ये है कि सैंक्शन हो जाए, जब मैं उस व्यक्ति के पास अप्रोच करूं तो मुझे छुट्टी दे दी जाए, जैसा मैं कहूं वैसा वो मान ले। वो मेरा इच्छा है। नमस्ते भैया जी। भैया, जैसा भी आपने बताया कि भाव विचार कैसे बदलते रहते हैं, या अपन देखते हैं कौन दूसरा ही दुखी करना चाहते हैं, तो ऐसा तो होता ही है। अपने और तो ध्यान नहीं दे पाके, पहले यही जाता था कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये तो परेशान करना ही चाहता है, कोई सुनता ही नहीं, ऐसा होता था। और दूसरा भैया ऐसा था कि जो भी जैसे तो ना भाव विचार बदलना, जैसे अपन किसी को कुछ बोल भी रहे तो ऐसा चाहते नहीं ऐसा कुछ अलग बोले जिसको उसको मतलब बुरा लगे, तो इतना ध्यान मतलब पहले नहीं जाता बोलने से पहले, बोलने के जस्ट बाद में ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैं उसको ऐसे भी बोल सकता था, मतलब सही बोल सकता था, जिससे मेरा भी मान बढ़ता और उसको भी अच्छा लगता। तो ये ध्यान भी थोड़ा बाद में जाता, कोई छोटा भी है तो छोटे भी बोल रहे तो मतलब ऐसे मतलब कुछ अलग शब्द में बोल रहे, जबकि अच्छे शब्द भी है जिससे अपन बोल सकते थे, ऐसा ध्यान बाद में जाता है भैया, इसके लिए क्या करना चाहिए? वही तो, पहले से हम ध्यान देते हैं, पहले से अगर हम भाव के सजग है ना, तो हमारे शब्द का चयन तो हम ही करने वाले हैं, तो जो भी चयन करेंगे संबंध के भाव के साथ करेंगे जी भैया।
अभी तो हम संबंध जो शब्दों का चयन करते हैं तो उस परिस्थिति में जो हम अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, हमारा भाव अनिश्चित हो जाता है, दूसरे प्रति विरोध में आ जाते हैं, प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, उसके आधार पे करते हैं। भाग्यशाली जी, भाग्यशाली जी 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 नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया आज का जो डिस्कशन चल रहा था तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बना मन में। देखिए क्या होता है ना, ये कोई अगर गुस्सा कर रहा है, हाँ मान लीजिए, तो अभी तो ये बात समझ में आ रही है कि हाँ वो ही खुद में कुछ तो उलझा हुआ है या परेशान है और इस वजह से कर रहा है, वो काफी मतलब अच्छी तरह से दिखती है बात अभी। तो आगे ये हो रहा है कि मैंने कुछ तो चित्रण किया है तो वो चित्रण फिर फुलफिल नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ लगता है भैया। तो क्या ये मतलब चित्रण हमने गलत किया, रियलिटी को हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, वास्तविकता को देख नहीं पाए, इस वजह से फिर चित्रण गलत हो गया और फिर थोड़ा लगता है कि अरे हाँ जैसे मैंने कुछ चित्रण किया था वैसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है भैया जी? हाँ, तो ये तो अपने आप में देखना होगा कि जो चित्रण है वो सहज स्वीकृति या समझ के आधार पर है, अन्यथा मान्यता के आधार पर है, संवेदनाओं के प्रभाव में है, तो वो तो अपने आप में स्पष्ट करना होगा, ठीक है ना। और ऐसा हो भी सकता है कि एक ही बार में पूरा स्पष्ट ना हो जाए, तो जो कुछ भी हमने चित्रित किया हुआ है अपने बारे में, अपने संबंधी के बारे में, परिवार के बारे में, उसको अपने आप में तो स्पष्ट कर लें। और ये भी काफी संभावना है कि अगला व्यक्ति जो है वो मान्यता ग्रस्त है तो उसको पूरा कर नहीं पा रहा, तो जो हमने चित्रित किया है उसके अन्यथा जा रही है बातें, तब अगले व्यक्ति का ध्यान आकर्षण कैसे कराना है। ठीक, इस बात को स्वीकारते हुए कि सहज स्वीकृति उसमें भी सही जीने की है, ठीक, परंतु मान्यताएं अलग प्रकार की हो सकती हैं, अभ्यास अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल हमारे अनुसार चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो अंतर तो आएगा। तो हम अपना एक मूल्यांकन करते रहेंगे कि हमारी इच्छा में जो कुछ बना हुआ है वो सटीक है, ठीक है कि नहीं, और दूसरे की इच्छा में क्या बना हुआ है उसका भी मूल्यांकन करेंगे, और उसके बाद अपनी पूरकता को तय करेंगे। अल्टीमेटली सोल्यूशन तो यही है कि दोनों पक्ष में समझ हो, समझ के लिए काम करेंगे। एक बार समझ केंद्र में आ जाता है फिर तो हम अपना मूल्यांकन भी कर पाते हैं, हम दूसरे का मूल्यांकन भी ठीक कर पाते हैं, दूसरा भी अपना मूल्यांकन ठीक ठीक कर पाता है, मेरा मूल्यांकन भी ठीक ठीक कर पाता है, तो मतलब संबंधों में पूरकता बनी रहती है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी बनी रहती है, अदरवाइज फिर ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो अपना मूल्यांकन तो करेंगे कि जो हमने इमेजिंग की है एक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ का फॉर मी एज वेल एज माई फैमिली मेम्बर्स, वो ठीक है कि नहीं, उसको तो जरूर मूल्यांकित करेंगे। दूसरा, उसके अनुसार अगर नहीं चल पा रहा, उसमें भी क्या होता है कि कार्यक्रम के स्तर पर भिन्नता जरूर हो सकती है, जैसे स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, ठीक है ना, स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कई प्रकार से कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, पोषण के लिए कई प्रकार से कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। तो हो सकता है अगला व्यक्ति पोषण के लिए एक तरह का आहार लेना पसंद करता हो, हम दूसरे तरह का आहार प्रिस्क्राइब करते हो, इतने वेरिएशन को तो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक बात है, हमें लगता है कि स्प्राउट खाना चाहिए, उसको लगता है कि नहीं फ्रूट्स खाना चाहिए, तो ठीक है भाई फ्रूट्स ही खा लो, इतना तो वेरिएशन होगा। बट यदि अपने बॉडी को वो नर्चर करने के बजाय स्पॉइल कर रहा है ना, बिगाड़ रहा है, तो फिर वहां पे हम ध्यान आकर्षण कराएंगे। तो हमने जो चित्रित किया हुआ है उसमें हमको एसेंस क्लियर होना चाहिए कि एसेंस है कि दूसरे व्यक्ति का शरीर पुष्ट हो, ठीक, बीमार ना पड़े, स्वस्थ हो, बाकी उसको हम चयन करने देंगे कि स्वस्थ होने के लिए जो कुछ करना है आप देख लीजिए, उसमें वैरायटी हो सकती है, एसेंस ठीक है ना, एक्सप्रेशन में तो वैरायटी हो ही सकती है, तो इतना तो हम दूसरे को स्कोप दे के रखते हैं कि आप इतना तो चयन कर ही सकते हैं। वैसे हमको लगता है कि बच्चा समृद्ध हो, श्रम पूर्वक स्वावलंबी हो, तो बच्चे को किस विधि से स्वावलंबी होना है वो तो बच्चा तय कर सकता है, ठीक है ना, उसमें हर चीज हम तय करके बताएं कोई जरूरी नहीं है, परंतु हम ये तो देख लें कि बच्चे को सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट है कि नहीं, बच्चे के अंदर श्रम की प्रवृत्ति है कि नहीं, बच्चे को समृद्धि का अर्थ स्पष्ट है कि नहीं, बच्चा सुख को स्वभाव के रूप में देखने की ओर प्रवृत्त हो रहा है कि नहीं, या है ना प्रभाव के रूप में ही देख रहा है, इन सब चीजों का मूल्यांकन करते रहेंगे।
तो उतना स्कोप दे के रखेंगे कि वो चूज कर ले कि उसको किस विधि से स्वावलंबी होना है, बट एसेंशियली स्वावलंबी होना है, समृद्ध होना है, शरीर की और मैं की आवश्यकता का अंतर स्पष्ट होना है, ये एसेंस है, इस पे तो हम अपना कमिटमेंट बनाए रखेंगे। तो जब चित्रित भी कर रहे हैं तो उसको दो भाग में देख लेंगे कि जो एसेंस का पार्ट है, जो मूल बात है ना, वो हमको स्पष्ट है कि नहीं, और एक्सप्रेशन में जो चीजें जाएंगी उसमें हम स्कोप रखते हैं वैरायटी का, वो हो ही सकता है। थोड़ा समय हो चला है ना, आज असाइनमेंट ये रहेगा जी कि ये देखना अपने आप को कि मेरे भाव का निर्णय कौन लेता है ना, इसको ओपन रखना है। मैं स्वयं ले रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है, कोई परिस्थिति ले रही है, अपने आप होता रहता है क्या हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल खुले तौर पे ऑब्जर्व करना है, बिना ये कुछ माने हुए कि नहीं मैं ही निर्णय लेता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय लेता है, इसको आज ऑब्जर्व करना है। फिर कल इसके साथ हम लोग शेयरिंग लेंगे, आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा इस पर और समय लगाएंगे जी। बहुत ही बढ़िया, तो अच्छी चर्चा रही, तो आज हम लोग यहाँ रोकते हैं, फिर कल हम लोग वापस इस पे लौटेंगे और चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।